मुंह दिखाई। हम पहले कुछ बातें ना कर लें। बातें करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी। पहले वो ना कर लें जिसके लिए ये रात है। लेकिन अम्मी मुझे भी शादी नहीं करनी है ना, मुझे पढ़ना है। लड़कियों ने ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करना होता है? एक तो ये उम्र में भी बड़े हैं और ऊपर से गुड लुकिंग भी नहीं है। कबूल सूरत है तो क्या हुआ, तुम्हारे नाज नखरे तो उठाएगा ना। आलिया,
आलिया अंदर आओ। नाराज क्यों हो? मेरे से नहीं बात करनी तो मैं चला जाता हूं। सरमद का फोन आया था। वो तुम्हें लेने आना चाह रहा है। अम्मी मुझे नहीं जाना उनके साथ, मैं कुछ देर इधर ही रहना चाहूंगी। तुम्हारा सवा महीना हुए भी 10 दिन ऊपर हो चुके हैं, तुम्हें बाबा अपने घर जाना चाहिए। लड़कियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। एक तो तुम्हारा रोना धोना ख़त्म नहीं होता, हर चीज़ से नवाजा अल्लाह ताला ने तुम्हें, और सरमद भी इतना ख्याल रखता है। तुम्हारा मसला क्या है? अब जानती मुझे क्या मसला उनके साथ। बेटे वो तुम्हारा शौहर है, बीवी का फ़र्ज़ होता है कि वो शौहर की ख्वाहिशों का ख्याल रखे, उसका हक है तुम पे। लेकिन मेरे अपने जिस्म पे अपना कोई हक नहीं। आपको समय कोई बात समझ क्यों नहीं आती है कि मैं महज कोच पोछ का ढेर नहीं हूँ। मेरे अंदर एक रूह बसती है जो चलनी पड़ी है। मैं महज अपने शोर के तस्कीन का जरिया नहीं हूँ, एक जीती जागती इंसान हूँ। मैंने सरमद को फ़ोन कर दिया है, आएगा वो तुम्हें इतवार को लेने।
आलिया आलिया अंदर आओ।